My name is Sangeeta Mehta. Today I discuss to you about main verbs. Main verbs क्या हैं? मुख्य क्रिया वे क्रियाएं हैं जो क्रियाशीलता तथा स्थितियों को दर्शाती हैं. उदाहरण look, run, want, make और expect. अब ये main verbs हैं जो action verbs. ठीक है, मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन हेल्पिंग वर्ब. सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न काल वाचक प्रश्नवाचक वाक्यों के गठन में होता है. बी हैव और डू और भी हैं. मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से इन माय इंग्लिश मैगजीन उसमें मैंने डिस्कस किया है, सारा कुछ बताया. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉडल वर्ब्स के बारे में. मॉडल वर्ब्स क्या है, किन्हें कहते हैं? अब ये वो है जो क्षमता और बाध्यता को बताती है, कैन कुड में इसको डिफाइन करती है. किसी कार्य के भविष्य में होने के विषय में यदि आप सुनिश्चित ना हो तो मे और माइट का प्रयोग करें. वी कैन गो द सिनेमा टू नाइट सिंस यू आर free. We could go to the cinema tonight if you are free. We may go to the cinema tonight but it depends what film is on. We might go to the cinema tonight or we might stay home instead. Making offers and suggestions प्रस्ताव तथा सुझाव के लिए. अब देखो ये तो मैं आपको बता रही हूँ ये कौन कौन सी हैं. अब मस्ट का यूज़ कैसे करेंगे? देखो मस्ट नॉट या मस्ट मस्टंट हैव गॉट टू द का नकारात्मक रूप नहीं है. ऑल पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स व्हेन आस्क्ड. यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ. यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड when the light is red. We had to leave immediately. Talking about things that are not necessary. अब वो अनावश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ये कहने के लिए कोई वस्तु अथवा तथ्य आवश्यक नहीं है. Don't have to या don't need to का प्रयोग करें. भूतकालिक रूप है didn't have to तथा didn't need. You don't have to go yet. She didn't need to drive here. I could. अब मैं आपको और ज़्यादा बता रही हूँ ये कौन से वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं जो मॉडल वर्ब्स में यूज़ होते हैं. किसी कार्य के ना होने पर यदि आप खेद व्यक्त करना चाहते हैं तो मुख्य क्रिया के भूतकालिक यानी पास्ट कृदंत रूप के साथ कैसे करेंगे इसको? शुड हैव अथवा ought to have का प्रयोग करें. ही शुड हैव स्टॉप्ड एट द रेड लाइट. आई ought to have told you earlier. आई एम सॉरी. Expressing strong obligation and giving orders. दृढ़ बाध्यता व्यक्त करना तथा आदेश देना. दृढ़ बाध्यता को व्यक्त करने के लिए तथा सख्त आदेश देने के लिए must तथा have got to का प्रयोग करें. must का प्रयोग केवल वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में बात करते समय कर सकते हैं, लेकिन हैव गॉट टू का प्रयोग पास्ट के संदर्भ में बात करते समय भी कर सकते हैं. मस्ट का नेगेटिव नकारात्मक रूप है मस्ट नॉट या मस्टंट. हैव गॉट टू का नेगेटिव रूप नहीं है यानी नकारात्मक रूप नहीं है. अब मॉडल वर्ब्स में आती है मे. मे को कैसे यूज करना है?
आई टेक दिस बुक होम विद मी। आप में का प्रयोग अनुमति देने के लिए करें। मे नॉट नेगेटिव रूप है। अगर आप किसी बात का दृढ़ता पूर्वक निषेध करना चाहते हैं तो मस्ट नॉट का प्रयोग करें। यू मे गो नाउ। यू मे नॉट डाउनलोड फॉर्म्स फ्रॉम दिस वेबसाइट। स्टूडेंट मस्ट नॉट प्लैगरीज। मेकिंग रिक्वेस्ट निवेदन करना। आप कैन विल कुड अथवा वुड का प्रयोग करते हुए निवेदन कर सकते हैं। कुड तथा वुड का प्रयोग अधिक विनम्रता सूचक है। कैन यू लैंड मी विल यू हेल्प मी लुक फॉर माई पर्स। मॉडल वर्ब्स मेकिंग ऑफर्स एंड सजेशन। प्रस्ताव और सुझाव देना। विल का प्रयोग प्रस्ताव देने अथवा वादा करने के लिए होता है। आई विल कॉल यू टुमारो। डोंट वरी वी विल हेल्प यू। शेल का प्रयोग सुझाव देने अथवा सहायता के प्रस्ताव के लिए होता है। शेल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट। शेल आई कुक सुपर। कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट। Would you mind moving your bag? Expressing mild obligation and giving advice. विनम्र बाध्यता व्यक्त करना तथा सुझाव देना। विनम्रता पूर्वक बाध्यता व्यक्त करने, सलाह देने तथा निर्देश देने के लिए आप should और ought का प्रयोग करें। इनके नकारात्मक रूप हैं should not या shouldn't तथा ought not to या ought not to। They should do what you suggest। You shouldn't drink that। We ought to leave now। किसी कार्य के ना होने पर यदि आप खेद व्यक्त करना चाहते हैं आप can और कुड का प्रयोग ये दर्शाने के लिए करें कि आप जानते हैं कि कोई कार्य विशेष कैसे किया जाता है अथवा आप कोई कार्य विशेष करने में सक्षम हैं। भूतकाल के विषय में बात करते समय आप कुड का प्रयोग करें, यानी पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में। इनके नेगेटिव रूप हैं कैनॉट या कांट तथा couldn't और could not। सारा कैन स्पीक फ्रेंच क्वाइट वेल। नो व्हेन आई वाज यंगर कुड प्ले टेनिस। आई कांट कम टुमारो। वी couldn't ओपन द डोर। आप बी एबल टू पद बंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। बी एबल टू पद बंद अन्य वृद्धि वाचकों से भिन्न है। कुछ मामलों में स्थिति सूचक क्रिया का सत्य बोधक रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु तब इसका अर्थ भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जब आप थिंक का प्रयोग अपनी राय देने के लिए करते हैं तो ये एक स्थिति सूचक क्रिया है। आप सात बोधक सत्य बोधक भी थिंकिंग का प्रयोग मानसिक क्रिया के रूप में सोच विचार के विषय में बात करते समय कर सकते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम फॉर आवर्स। आप बी एबल टू पद बंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। बी एबल टू पद बंध अन्य मॉडल वर्ब से भिन्न है क्योंकि ये रूप परिवर्तित करता है। ये बी के रूप एबल टू से बना है। आर यू एबल टू वॉक टू द कार। वी वर नॉट वी वांट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन।
कैन और कुड के विपरीत आप भविष्यकालीन क्षमता के संदर्भ में बात करने के लिए भी एबल टू पदबंध का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। विल यू बी एबल टू मैनेज ऑन योर ऑन आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन, अनुमति लेना और अनुमति देना। आप अनुमति लेने के लिए कैन, कुड तथा मे का उपयोग करें। कुड तथा मे का प्रयोग कैन की अपेक्षा अधिक औपचारिक और विनम्रता सूचक है। कैन आई बोरो योर कार टुमारो मॉम। मॉडल वर्ब सहायक क्रिया का एक विशेष प्रकार है। जब आप मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में किसी विशेष प्रकार के अर्थ का संयोजन करना चाहते हैं, यानी एग्जाम्पल निश्चिता बोधन के लिए, आज्ञा प्राप्ति के लिए, अथवा ये कहने के लिए कि कोई चीज़ आवश्यक है, तब आप मॉडल वर्ब का प्रयोग करें। मुख्य क्रिया के विपरीत मॉडल वर्ब का एक ही रूप होता है। आई कैन स्विम, शी कैन स्विम, यू कैन स्विम इत्यादि। वृत्तिवाचक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के आधार रूप के साथ करें। टॉकिंग अबाउट एबिलिटी क्षमता के संबंध में, अब इसमें मेन थिंग है इस बात को समझना है आपने कि ये जो मॉडल वर्ब है ये सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब का ही एक विशेष प्रकार है और ये मेन वर्ब में किसी विशेष अर्थ का संयोजन करते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? निश्चितता बोधन के लिए, आज्ञा प्राप्ति के लिए, अथवा ये कहने के लिए कि कोई चीज आवश्यक है, तब आप मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करें। आप कैन और कुड का प्रयोग ये दर्शाने के लिए करें कि आप जानते हैं कि कोई कार्य विशेष कैसे किया जाता है। इस बात को समझें आप। कैन और कुड का प्रयोग ये दर्शाने के लिए करें कि आप जानते हैं कि कोई कार्य विशेष कैसे किया जाता है, अथवा आप कोई कार्य विशेष करने में सक्षम हैं, यानी आप वो काम कर सकते हैं। भूतकाल के विषय में यानी पास्ट में बात करते समय आप कुड का प्रयोग करें। नेगेटिव रूप में कैनोट या कांट तथा कुड नॉट या कुडंट। सारा कैन स्पीक फ्रेंच क्वाइट वेल, नो। टॉकिंग अबाउट वेदर और नॉट समथिंग इज ट्रू, किसी तथ्य के सही अथवा गलत होने के संदर्भ में मस्ट का प्रयोग ये कहने के लिए करें कि आपको पूरा विश्वास है कि कोई बात सत्य है। कांट का प्रयोग ये कहने के लिए करें कि कोई बात असत्य है। जब आप किसी बात को लेकर ट्रू हैं तो आप मस्ट का प्रयोग कीजिए, और जब आपको लगता है कि कोई बात असत्य है यानी ट्रू नहीं है, झूठ है वो, तो कांट का इसका पूरा विश्वास है। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मिस्टर रॉबर्टसन इज हियर, इट मस्ट बी ट्यूसडे, यू कांट बी सीरियस। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर के संबंध में भविष्य के संदर्भ में विल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से टुडे आई एक्सप्लेन द होल चैप्टर, पूरा मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बताया, लेकिन अभी तक ये मॉडल जो है मैंने इसका एक और बनाया है, अनदर वीडियो, अनदर उसमें मैं आपको इसको डिटेल में कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। आज मैंने सिर्फ वो वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो हम मॉडल वर्ब में यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है, कैसे यूज़ करते हैं, आई एम टेलिंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, यस, कुड, वेरी गुड, द ऑल वर्ड्स आई एम टेलिंग इन दिस चैप्टर। ओके,
टुडे आई एम टेलिंग टू यू दैट वर्ड्स आर मे माइट मस्ट एंड शुड ऑट मे मस्ट कैन विल शैल कुड वुड ought to shouldn't should can couldn't these are yes these are the modal verbs मैंने आपको ये भी बताया है इसमें इन शॉर्ट कैन को कैसे यूज करना है आपने और could को आपने पास्ट में यानी भूतकाल में आपने यूज करना है कुड को ठीक है इस तरह से आपने विनम्रता पूर्वक में का प्रयोग कर सकते हैं और कुड का कैन की अपेक्षा क्योंकि कैन जो है वो डिफरेंट वे से यूज करते हैं लेकिन है सेम ही है ओके लेकिन मैं आपको डिटेल में इसको यूज करना भी बताऊंगी मेन बात आपने याद रखी है कुड का आपने पास्ट में यूज करना है और कैन जो है वो प्रेजेंट में चलता है ठीक है इस तरह से मैंने आपको सारा मॉडल वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया ओके नाउ थैंक यू टुमारो आई डिस्कस टू यू अबाउट द हाउ कैन वी यूज द मॉडल वर्ब्स इन अ सेंटेंस विद एन एग्जाम्पल